राजस्थान की, जहां पर विधानसभा चुनाव प्रचार खत्म होने की कगार पर है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज डींडवाना पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी जितेंद्र सिंह जोधा के समर्थन में विजय संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन सरकार की बनाने का भी आह्वान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भारत माता की जयकारे के साथ में अपना संबोधन शुरू किया और उन्होंने कहा कि डींडवाना की पावन धरा को बाबा भर्तृहरि ने अपनी तपस्या से पवित्र किया था। उन्होंने कहा कि राजस्थान अपने शौर्य और वीरता के लिए जाना जाता है। राजस्थान का जवान सीमा की सुरक्षा में तैनात रहता है। राजस्थान भारत की विरासत का प्रतीक माना जाता है। उस राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने अपराध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक और कुशासन में नंबर एक बना दिया है। सड़कों के बारे में तो कहना ही क्या, सड़क में गड्ढा है, गड्ढे में